अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी ज़ैद इब्न मुख्तार। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम आए हैं यहाँ पे। टू बी ऑनेस्ट, मुझे रेन बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा एडवेंचर करेंगे क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है और फॉग भी है यहाँ पे। एंड वी आर नॉट हियर विद आवर प्रॉपर गैजेट्स, तो थोड़ा सा करते हैं हम एंजॉय ऊपर तक। सो लेट्स गो। I would love to share some information. A kind of these flowers are the indication of summer. It means summer is coming, and this means goodbye to the winter. और ये एक ऐसी चीज़ है कि नई सुबह आने वाली है, सर्दियाँ वर्दियाँ ख़त्म हो जाएंगी, फिर से ग्रीनरी आने वाली है। And I hope कि ये साल हमारे लिए बहुत अच्छा हो और हमारी फसलों के लिए अच्छा हो और हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा हो। आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस एंड आई वांट टू शेयर वन मोर थिंग विथ यू। इतना ज़्यादा फॉग है यहाँ पर, बहुत कंफ्यूज हूँ। और फॉग के अंदर से कुछ आवाज़ें भी आ रही है, लाइक समवन इज़ कटिंग ट्री। आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर, बट ऐसा लग रहा है। या कोई वुड पिकर कहीं पे दरख्त काट रहा है या वो अपना काम कर रहा है। और बारिश थोड़ी सी कम हो गई है, बट फॉग बहुत ज़्यादा है यहाँ पे और क्लियरली दिखाई भी नहीं दे रहा है। आई वुड से यू कैमरामैन, थोड़ा सा इधर उधर फोकस करके देखो कि बहुत ज़्यादा फॉग है यहाँ पे, बट वी आर एंजॉइंग अ लॉट हियर। और वीडियो के साथ बने रहो। बारिश थोड़ी ज़्यादा तेज़ हो रही है ना। देखते हैं किस जगह अगर कुछ बैठने के लिए जगह मिलेगी तो वी बोथ वुड लव टू स्टेट एनीवेयर, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। मुझे लग रहा है कि बर्फ़ होने वाली है। एंड आज का डेट है 1 मार्च एंड बहुत ज़्यादा सर्दी है यहाँ पे। ऑलमोस्ट माइनस में टेम्परेचर है अभी। सो किसी जगह बैठेंगे और रास्ता बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है, विजिबिलिटी ज़ीरो है। और हम अब ऐसा कर रहे हैं कि कैमरा के अंदर से देख रहे हैं, इसमें थोड़ा सा नज़र आ रहा है। सो लेट्स गो। आई थिंक हम यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं बैठेंगे, कुछ 5-7 मिनट हम थोड़ी ट्राई करेंगे। यहाँ पर बैठेंगे थोड़ी देर के लिए। और सर्दी भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर थोड़ा सा वो ठंडी नहीं है। यहाँ पे तो जो हवा है वो बहुत ज़्यादा सर्द है, वो यहाँ पर नहीं है। आई वुड लव टू सिट लाइक दिस। मतलब दोस्त आ जाओ। Second plan, क्या माना है? थोका? It's too cold man, too cold. पैसे? Yeah. देखो, आप देख सकते हैं बर्फ जम गई है बियर्ड में। And चेक हालत है। इसलिए मैंने बियर्ड काटा। I'm little bit happy. नहीं यार, मैं बहुत खुश हूँ यार इस चीज़ से। बहुत ज़्यादा मैं एंजॉय कर रहा हूँ सच्ची में, टू बी ऑनेस्ट। देखो ऊपर से केव का नज़ारा कैसा है। मैं आपको बहुत कुछ दिखा था बट विजिबिलिटी ज़ीरो है। देखो, अगर आपको नहीं लगता, बस कैमरा में नज़र आ रहा है बट आंखों से नहीं दिख रहा है कुछ। और मैं फेरा नहीं सुनी, मतलब बेचारे तर इसको बहुत ज़्यादा सर्दी लगी है। तर से कुछ वी आर ट्राइंग टू व्हाट डू यू कॉल सर्वाइव। नो ब्रो, व्हाट काइंड ऑफ सर्वाइव इट इज़। वी आर जस्ट 2-5 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम आवर होम। एंड ये भी गिरा, मैं भी गिरा, बट इसी में तो फन है ब्रो। कम्बल के नीचे तो कोई भी बैठ सकता है, घर में तो कोई भी बैठ सकता है, मगर बाहर आओ, गिरो, उठो, संभलो खुद से ही। तो अलग ही मज़ा है भाई, अलग मज़ा है उसमें। और हम एंजॉय भी करते हैं उन चीज़ों को। बारिश सच में बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। हम यहाँ पे केव के नीचे हैं, यहाँ पर महसूस नहीं हो रहा है, और फिर भी बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई और कपड़े वपड़े सब ख़राब हो गए, गीले हो गए हैं। और अब हम ऐसा करते हैं कि जहाँ से आए हैं वहीं को वापस चलते हैं, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका है, ऑलमोस्ट 5 बजने वाले हैं। और 5 बज गए, इट मीनस कि अब विजिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा कम हो रही है। तो चलते हैं। हो गई है बहुत ज़्यादा, तो हमें बहुत अवेयर होना पड़ेगा। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चक्करमैन कैमरा बंद, साथ बैग इसमें भरे, और अब तुम चलो अच्छे से हैं, क्योंकि तुम्हारे पास स्पोर्ट्स शूज़ लगे हुए हैं। बार बार पकड़ना।